Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is work and energy of class 9th. देखिए क्लास 9th में work and energy का एक बहुत important chapter है. इस work and energy के chapter में मैं आपको पढ़ाने से पहले ये बता दूँ कि work and energy एक बहुत important topic होता है physics का, और आप इसको 11th class में बहुत detail में पढ़ोगे. देखो 9th class के हर video में मैं आपको एक बात जरूर याद दिलाता हूँ कि 9th का जो आपको फिजिक्स का सिलेबस है वो कम्प्लीटली आपको 11th क्लास में सपोर्ट करेगा. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज से ही आपको एक सजेशन है कि आप 9th क्लास से ही, यदि आपका IIT JEE नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका टारगेट है, तो आप फ्रॉम वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही आप 9th क्लास से ही आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए. तो वर्क एंड एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. देखिए वर्क एंड एनर्जी, वर्क अपन एक अपने कॉमन लाइफ में वर्क का क्या सेंस समझते हैं, व्हाट इज द वर्क. जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी एक्शन रिएक्शन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चल फिर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब वर्क है. मतलब हम अपने कॉमन लाइफ में जो कुछ भी करते हैं हम सबको वर्क मान के चलते हैं. बट इन फिजिकल लाइफ, इन फिजिक्स, एवरीथिंग इज नॉट वर्क. यहाँ पर हर चीज़ वर्क नहीं होता. तो वर्क का एक प्रॉपर मीनिंग है, यहाँ पर प्रॉपर सेंस है, उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है. तो वो होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम वर्क के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब हम फोर्स किसी बॉडी पर, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस बॉडी पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं. सिंबॉलिक हम इसको लिखें तो W इक्वल टू होता है F इंटू डी. ये आप याद रखिए, W इक्वल टू F इंटू डी. अब इस फार्मूला में आप देखिए कि सपोज मैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. क्लियर. सपोज मैं, ये वाल है, इस वाल को जाके फोर्स लगाया, धक्का दिया, सपोज उसमें 10 न्यूटन का मैं फोर्स लगाया, लेकिन वाल अपने जगह पर ही है, दैट इज नॉट वर्क. लेकिन हम अपने कॉमन लाइफ में उसको बोल देंगे कि हम वर्क कर रहे हैं. क्या कर रहे हो भाई, मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ. बट इन फिजिक्स दैट इज नॉट वर्क. वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है. जब तक जिस बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो तो हम उसको वर्क नहीं कर सकते. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. तो इस तरह से द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. क्लियर. अब लेकिन ये जो वर्क है वो किस तरह का वर्क है, ये वन डायमेंशनल वर्क है. दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यदि बॉडी में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो. सपोज अपने पास एक टॉय कार है, सपोज ये इमेजिन करिए कि खिलौना है, कार है, और ये क्या है, उसका पाथ है. इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया, सपोज मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, सपोज मैंने इसमें फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई किया. अब ये इसी स्ट्रेट रोड में, इसी डायरेक्शन में ये कार डिस्प्लेस होके, सपोज वो 5 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो 10 × 5, दैट मीन्स 50, और जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क. जूल क्या है, वर्क का यूनिट होता है. क्लियर. तो यहाँ पर 50 जूल वर्क होगा, ये होता है स्ट्रेट रोड में. बट सपोज हम यदि किसी बॉडी पर फोर्स अलग डायरेक्शन में लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, और हमने इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया. सपोज ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में बॉडी में ये इस रोड पर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, इस तरह से दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है, इसको हम क्या रीड करते हैं, थीटा. ये सिचुएशन है. यहाँ पर आपने देखा कि
कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये कैसे होता होगा? आपने बचपन में या अभी भी आप बच्चे हो, आपने एक खेल खेला होगा या एक तरह से किया होगा, क्या जैसे ये कार है, इस टॉय कार को हम इधर फोर्स लगा के हम एक स्ट्रिंग से एक रस्सी से इधर खींचे, या बचपन में हम लोग जैसे खेलते थे ईंटे में क्या करते थे, रस्सी बांध लेते थे और उसको पकड़ के हम लोग ऐसा खींचते थे, तो आपने देखा होगा कि हम उस ब्रिक्स को इस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा के खींचते हैं, लेकिन ब्रिक्स मूवमेंट किधर करता है? रोड में करता है, स्ट्रेट करता है। मतलब हम फोर्स कहीं और लगा रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क होता है, इस कंडीशन में जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, आप मैथमेटिक्स में इसको सीबीएसई के स्टूडेंट इसको 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में उसमें 9th में यूज़ हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि डी कॉस थीटा, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क का फार्मूला होता है उस कंडीशन में। देखिए, मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ही एक बात आप लोगों को बताई कि आप लोग वर्क एनर्जी को 11th क्लास में अगेन पढ़ोगे, तो वहाँ पर हम बहुत ब्रॉड पढ़ोगे, यहाँ पर उसको हम कॉन्सेप्ट के बेस पर। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे एडवांस चीज़ें मैं आपको बता सकूँ जो आपको 11th क्लास में पढ़ने में हेल्पफुल हो। क्लियर? तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इज द फार्मूला ऑफ वर्क इफ द डायरेक्शन आर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो ये दो तरीके से वर्क निकालना मैंने बताया, इसके और भी तरीके हैं, कैलकुलस में तरीके हैं, वेक्टर में तरीके हैं, लेकिन अब सब आप उसको 11th क्लास में पढ़ोगे। क्लियर? तो ये है वर्क और ये वर्क। अब इसमें अपन आपको बताते हैं इसके टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के कितने टाइप्स होते हैं? तो वर्क के टाइप इसके बेस पर हम वर्क के 3 टाइप्स यहां कंसीडर करते हैं। 3 टाइप्स होते हैं वर्क के। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किस तरह का वर्क होता है? देखिए, जब थीटा क्या हो, इफ थीटा इज 0 degree, इफ थीटा इज 0 degree, देन W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 0 degree। अब कॉस 0 होने का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो एंगल आप देख रहे हो ये 0 हो जाए, दैट मीन्स ये जो फोर्स का डायरेक्शन है जो इस डायरेक्शन में है वो ऐसा हो जाए, तो ये वाला केस हो जाएगा। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। एंड इन ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इस तरीके से हमारा ये जो W का फार्मूला है वो हो जाएगा F इंटू डी, एंड दिस इज पॉजिटिव वर्क, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है तो यह कहलाता है पॉजिटिव वर्क। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क इज पॉजिटिव वर्क, जो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताया, ये जो कार का एग्जाम्पल बताया पॉजिटिव वर्क है। नाउ नेक्स्ट इज, सेकंड इज जीरो वर्क। जीरो वर्क के लिए क्या होता है? जो थीटा का वैल्यू है ये 90 डिग्री होता है। इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 90, दैट इक्वल। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कॉस 90 का वैल्यू है, ये सब आपको लर्न करके रखना है अभी। कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0, ये आपको याद रखना है। कॉस 0 1 होता है, उसी तरह से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ये, क्योंकि एफ इंटू डी इंटू 0, एक बार लिख दूं मैं आपको, एफ इंटू डी इंटू 0 दैट इज 0, ये कहलाता है जीरो वर्क। ये जीरो वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो है वर्क ऑफ कुली। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
वर्क ऑफ कुली ऑन लगेज। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कुली कैसे जीरो वर्क करता है, तो यहाँ पर देखिए, इमेजिन करिए कि सपोज ये कोई कुली है और ये क्या है, ये कुली अपने सिर में ये कोई लगेज रखा हुआ है और वो इस डायरेक्शन में लगेज पकड़ के मूव कर रहा है। क्लियर? तो आप इस सिचुएशन में देखिए, ये जो लगेज का वेट है mg, जो कि डाउनवर्ड है, और कुली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में। mg क्या होता है? फोर्स होता है। जो किसी भी बॉडी का वेट होता है वो फोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आप देखिए थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो वर्क ऑफ कुली इज जीरो वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वर्क ऑफ कुली। ये कई बार एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है, द वर्क डन बाई कुली ऑन लगेज इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क। एंड लास्ट इज निगेटिव वर्क। मैं यहाँ उसको आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। ये थर्ड वर्क को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है थर्ड इज निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क कैसा होता है देखिए, इफ थीटा इज 180 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो किस तरह का सिचुएशन हो जाएगा? ये सिचुएशन इस तरह का है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास इस तरह से, और फोर्स हम इसमें इधर लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स हम नॉर्थ में फोर्स लगाएं और डिस्प्लेस हो बॉडी किधर? साउथ में हो, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस फार्मूला में आप उसको अप्लाई करिए FD cos थीटा में, तो हो जाएगा W इक्वल टू FD cos 180 डिग्री। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पर माइनस वन होता है। cos 180 डिग्री इज माइनस वन, दैट मीन्स W इज माइनस FD। ये होता है निगेटिव वर्क। और इसका एग्जाम्पल है वर्क ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो वर्क होता है वो क्या होता है? निगेटिव। कैसे? यहाँ पर मैं एक स्प्रिंग के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सपोज एक स्प्रिंग है और आपने देखा होगा कि स्प्रिंग में हम यदि इधर फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग बाद में डिस्प्लेस किधर होता है? इधर होता है। सपोज स्प्रिंग को मैं पकड़ा और ऐसा कंप्रेस किया तो छोड़ूंगा तो डिस्प्लेस किधर होगा? अपोजिट साइड में होगा। मतलब स्प्रिंग ऑलवेज फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो क्या कहलाता है? निगेटिव वर्क। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पर आपको क्या बताया, एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इक्वल टू एफ इंटू डी। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, देन वर्क इज एफ डी कॉस थीटा। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, इफ थीटा इज जीरो डिग्री देन वर्क इज पॉजिटिव। नाउ सेकंड इज जीरो वर्क, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन अमाउंट ऑफ वर्क इज जीरो। द एग्जाम्पल इज वर्क ऑफ कूली। एंड थर्ड इज निगेटिव वर्क। इस तरह से वर्क का बस इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लास में होता है, ये सफिशियंट है। आपको वर्क के टाइप्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। एनर्जी मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। एनर्जी, आपने ये वर्ड तो आप सबने सुना ही होगा। क्या मतलब समझते हैं आप एनर्जी से? हमको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कोई भी वर्क हम तभी कर सकते हैं जब अपने पास क्या हो? एनर्जी हो। विदाउट एनर्जी आप कोई वर्क नहीं कर सकते। क्लियर? आप सोचिए कि हमारे पास कोई एनर्जी ना हो तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते। तो एनर्जी का सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है फिर? एनर्जी क्या हो सकता है? द इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क आर द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ द डूइंग वर्क, कुछ भी कह सकते हैं आप, इज कॉल्ड एनर्जी। हमारे काम करने की जो क्षमता होती है,
द इफिशियंसी आर द कैपेबिलिटी ऑफ द डूइंग वर्क इज एनर्जी. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क. जो हम वर्क करते हैं, हमने किसी बॉडी को पुश किया या पुल किया, बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो हमने उसमें जितना वर्क किया दैट इज एनर्जी. वही क्या है, हमारा एनर्जी है. तो न्यूमेरिकली क्या होता है, एनर्जी हमेशा अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क के इक्वल होता है. हम किसी बॉडी पर जितना वर्क करते हैं वही एनर्जी के इक्वल होता है. ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी. अब हमको यहाँ पर देखना है कि एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं. तो एक्चुअल में एनर्जी के बहुत से टाइप हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है. कुछ टाइप्स आपको मैं यहाँ पर बता दूँ एनर्जी के, कुछ टाइप्स जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी सेकंड इज साउंड एनर्जी. साउंड भी एक तरह की एनर्जी है. थर्ड लाइट भी एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. टाइडल एनर्जी. विंड भी एक तरह का एनर्जी है. इस तरह के एनर्जी के बहुत सारे टाइप हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी. ये सब सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपके 10th क्लास में आप इसको पढ़ोगे. ये एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं. ये एनर्जी के रिसोर्स हैं. एक्चुअल में हमारा जो पूरा गैलेक्सी, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है. जो कुछ भी आप वर्क देख रहे हो, आप अपने सराउंडिंग में जो भी वर्क देख रहे हो, टोटल वर्क ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है. कहीं पर कोई एनर्जी, कहीं पर सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं पर मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में. मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन को ही आप यूनिवर्स में, एक्चुअल में साइंटिस्ट लोग का कहना है कि ये जो पूरा हमारा गैलेक्सी है वो फॉर्म ऑफ द एनर्जी है. एनर्जी का एक फॉर्म है. विदाउट एनर्जी वी कांट इमेजिन वर्क. बिना एनर्जी के हम किसी प्रकार का वर्क इमेजिन नहीं कर सकते. तो ये हमारे कुछ एनर्जी के टाइप्स हैं. लेकिन हमको अभी इस क्लास में मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप्स पढ़ना है. एक है पीई मींस पोटेंशियल एनर्जी. सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी. ये टू टाइप्स की एनर्जी हमको बेसिकली इस क्लास में पढ़ना है. बाकी ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी आप आगे 10th क्लास में आपके सिलेबस में होता है. क्लियर. तो अब हम स्टडी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. क्लियर. नाउ देन फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो. पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में किसी बॉडी के रेस्ट या उसके पोटेंशियल के कारण, जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है उसके पोटेंशियल के कारण उसमें जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है. यह टेबल यहाँ रखा है और रेस्ट कंडीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. तो कोई भी बॉडी अपने स्टेटस, अपने रेस्ट कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. इसमें मेनली जो हम पढ़ते हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो, देखो. पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सपोज ये अर्थ है और सपोज हम इस अर्थ के सरफेस में कोई एम मास का पार्टिकल है. सपोज अब हम इस एम मास के पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से हम अपवर्ड ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. सपोज हमने इसको एप फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया और इस बॉडी को हम यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिए और सपोज ग्राउंड से इसका हाइट एच है. क्लियर. ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फोर्स एफ लगा के एच हाइट तक डिस्प्लेस कर दिया. अब आपको मालूम है कि यहाँ पर जो बॉडी का वेट है एम जी, वही क्या है, उसका फोर्स है. क्योंकि किसी बॉडी का जो वेट होता है वो फोर्स होता है. तो यहाँ पर यदि हम वर्क कैलकुलेट करें देन अमाउंट ऑफ वर्क W इक्वल टू फोर्स इंटू सपोज डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, H है. तो डिस्प्लेसमेंट हमने H ले लिया. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट H ले लिया, दैट इक्वल फोर्स mg के इक्वल होता है. तो mg इंटू H, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है, अभी मैंने बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, इसको हम कह सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी. तो किसी भी बॉडी पर पोटेंशियल एनर्जी होता है
mgh, यदि किसी ऑब्जेक्ट को, यदि किसी बॉडी को अर्थ के ग्राउंड सरफेस से यदि हम h हाइट पर ले जाते हैं, ग्राउंड सरफेस से यदि हम उसको h हाइट पर लेके जाते हैं, तो उस बॉडी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है, mgh होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या हम उसको ओनली पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नाम से क्लियर है, ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मूविंग बॉडीज होते हैं, कोई कार है, कोई व्हीकल है, ट्रेन है, बाइक है, जो मूविंग कंडीशन में होते हैं, वो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होता है वो क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। मैंने यहाँ पर बताया कि रेस्ट बॉडी के पास जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सपोज हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है, और फाइनल वेलोसिटी सपोज v है, उस बॉडी पर सपोज एक्सेलरेशन a है, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सपोज हमने d सपोज कर लिया, इस तरह से हमने वेरिएबल्स इसके सपोज कर लिए। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया है, डी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डी हो जाएगा। क्लियर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम ए डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको पहले इधर ट्रांसफर कर लूँ, तो टू ए डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। क्या क्या हमने सबसे पहले हमने इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया और इसे ए डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर, नाउ अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, देयर फॉर वर्क इक्वल टू वर्क, हम सपोज इसमें फोर्स ए लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिया है, डी, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू इस एक्सेलरेशन बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू, अब ये जो ए डी है, इस ए डी का वैल्यू को हम यहाँ से ला के पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ से ला के पुट अप कर देंगे तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू, दैट इम्प्लाइज इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो W इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन टू, यहाँ मल्टीप्लाई होकर एम वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू एम यू स्क्वायर। देयर फॉर अब यहाँ पर देखिए, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क ही एनर्जी होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑन एनी मूविंग बॉडी, ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू एम यू स्क्वायर। नाउ सपोज हम इमेजिन करते हैं कि u इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वो बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन से मोशन स्टार्ट करता है। ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटी को u लिया है, तो सपोज बॉडी रेस्ट कंडीशन से, जैसे कोई बाइक रेस्ट कंडीशन में है, खड़ी है, फिर हम उसमें मोशन स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स इन दिस केस इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन टू एम वी स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, यदि बॉडी क्या है, रेस्ट से मोशन स्टार्ट करे। यदि बॉडी ऑलरेडी मोशन मूविंग कंडीशन में है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइनल कंसीडर किया, नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, एडी का वैल्यू फाइंड किया, इसके बाद हम वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू हम यहाँ से ला के पुट अप कर दिए, ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इन दोनों एनर्जी पर रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको लोअर क्लास में भी कई बार पढ़ चुके हो, वो है लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब ही होता है किसी वैल्यू को क्या रखना, कांस्टेंट रखना। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी का कंजर्व होना, उसका कांस्टेंट होना। ये बात हम सबको पता है कि हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली इसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी नाइदर कैन क्रिएट ना डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म विल बी चेंज। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एनर्जी का जो वैल्यू है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फिर क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज जैसे आपके पास कोई टॉय हो, कोई खिलौना हो चाबी भरने वाला, तो आपने देखा होगा क्या करते हैं अपन, इस उसमें अपन जैसे इसको घुमाते हैं तो उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो इस प्रकार से कॉम्पैक्ट होते जाता है, सिकुड़ते जाता है। ये तो आपने खिलौने में खेला होगा। तो हम जो काइनेटिक एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस स्प्रिंग के अंदर, उस स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, स्टोर हो गया। और जैसे ही हम उस खिलौने को जमीन पर छोड़ते हैं तो उस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो अगेन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो खिलौना क्या होता लगता है, भागने लगता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये थ्योरम कहलाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल के बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है वो मोबाइल को यूज़ करने से क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है। फिर बाद में फिर हम उसको फिर अगेन चार्जर में लगाते हैं, चार्जिंग करते हैं, फिर वो एनर्जी स्टोर करता है। तो पूरे यूनिवर्स में जो भी इवेंट आप देख रहे हो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट मीन्स एनर्जी नेवर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ना कभी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली इट्स फॉर्म विल बी चेंज, हम कल उसके रूप को बदल सकते हैं। क्लियर? ये है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल, एक डेरिवेशन है जहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एनर्जी कैसे कांस्टेंट होता है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यहाँ पर देखिए, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हम एग्जांपल लेके इस बात को प्रूफ करते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास ये जो मार्कर है, मैं यहाँ पर इसको रखा हूँ, दैट मीन्स अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये रेस्ट में है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब इसको मैं छोड़ा, मेरे इस हाथ तक ये क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब वो रास्ते में आता है तो उसके हर पॉइंट पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से काइनेटिक में या काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके हर पॉइंट पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ सपोज करते हैं अपन कि ये देखिए एक सिचुएशन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और एक थ्योरम को, मतलब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, इसका प्रूफ है। एक्चुअल में भी आपको बोले स्टेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूफ, तो इसका प्रूफ है। तो ये सपोज ये बॉडी का इनिशियल कंडीशन ए यहाँ रखा हुआ है और अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब ये ड्राफ होते होते बी पर पहुँचा और फाइनली ये कहाँ पर, ग्राउंड में पहुँच गया, सी पर। क्लियर? हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में इसका जो हाइट है ग्राउंड से वो एच है। यहाँ से यहाँ तक ड्राफ होने में सपोज इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा एच माइनस एक्स। इस तरीके से हमने यहाँ पर थ्री कंडीशन सिचुएशन कंसिडर कर लिया। फर्स्ट ए, हियर यू इज जीरो, हियर सपोज वेलोसिटी इज वी, और यहाँ फाइनली फिर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में आ जाएगा वो। तो इसके थ्री कंडीशन है और यहाँ पर हम इसके थ्री कंडीशन के लिए एक एक पॉइंट पर इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट एट पॉइंट ए, हम ए पॉइंट पर बात करें तो ए पॉइंट पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा
क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, इसका हाइट अभी h है यहाँ से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों सम हो जाएंगे, एम जी एच प्लस जीरो, दैट मीन्स एम जी एच, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन देखते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर आप देखो। अब यदि हम बी पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाएँ तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एम जी, और अब देखिए यहाँ पर इसका ग्राउंड से जो हाइट है वो कितना है, एच माइनस एक्स, तो यह हो जाएगा एच माइनस एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल कंडीशन में तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो था, लेकिन इस कंडीशन पर बी पर वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका जो मोशन है, वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और फाइनल वेलोसिटी से फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं मोशन का, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस फार्मूला को हम लगा दें तो वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टू कितना हाइट ट्रेवल करके आ गया वो, एक्सेलरेशन तो जी होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हाइट कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस एक्स, क्योंकि वह अभी एक्स डिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, एक्स, तो यह हो जाएगा टू जी एक्स, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स। देयरफॉर अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इक्वल वन अपॉइंट टू एम, और वी स्क्वायर का वैल्यू ये 2gx यहाँ से हम ला के पुटअप कर देंगे, तो हो जाएगा 2gx, यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा mgx। अब देखिए अब हमने यहाँ पर निकाल लिया है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर हमने निकाल लिया क्या, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल एनर्जी। तो नाउ टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स और प्लस काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स, यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्वांटिटी कैंसिल आउट होगा और अपने को मिलेगा क्या, एम जी एच, सपोज रिलेशन नंबर सेकेंड। क्लियर, ये हमने निकाल लिया एट पॉइंट बी, सबसे पहले निकाला पॉइंट ए पर, फिर सब उसके बाद निकाला पॉइंट बी पर, सिमिलरली हम निकालते हैं अब कहाँ पर, पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी, यहाँ पर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो होगा, क्यों होगा, देखिए यहाँ पर रीजन, क्योंकि अब बॉडी कहाँ आ चुका, ग्राउंड में, तो ग्राउंड से इसका हाइट क्या हो गया, जीरो, तो हाइट जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और फिर अपन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं इस पर, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दैट इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी इनिशियल जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग वो जीरो से मोशन स्टार्ट किया था, टू एक्सेलरेशन जी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो गया, एच, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, टोटल मतलब एच डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इक्वल टू वन अपॉइंट टू एम, ये वी स्क्वायर का वैल्यू फिर यहाँ से पुटअप कर देते हैं तो 2gh, ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो हो गया mgh, ये हमने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 प्लस mgh, दैट इक्वल mgh, दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट, रिलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का कंपेयर कीजिए, तो फर्स्ट रिलेशन में देखिए, रिलेशन फर्स्ट में टोटल एनर्जी कितना है, एम जी एच, क्लियर, रिलेशन सेकंड में टोटल एनर्जी कितना है, एम जी एच, रिलेशन थर्ड में देखिए अब टोटल एनर्जी कितना, एम जी एच, मतलब आप देखिए ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, जो ए से फ्रीली फॉल होते 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 सी तक पहुंचा है, उसके हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी ऑलवेज कितना है, एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच, क्लियर। तो यहाँ से पता चलता है
कि एट एवरी पॉइंट, एट ईच पॉइंट टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मींस एनर्जी इज कांस्टेंट। तो इस डेरिवेशन से आप क्या समझ रहे हो, एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको क्रिएट कर पा रहे हैं डिस्ट्रॉय, वही एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड अ प्रूफ बाय द हेल्प ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्लियर। तो यहाँ पर आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है पावर, एक लाइन का, इसके बाद एक चैप्टर आपको कंप्लीट है। तो पावर का भी कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं, व्हाट इज पावर। जो वर्क हम करते हैं वही क्या होता है, पावर होता है। जो एनर्जी है वही पावर होता है। देखिए किस तरह से, पावर, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी, वेयर डब्ल्यू इज वर्क, ये वर्क है और ये क्या है, टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिवाइड होता है तो उसको होता है रेट ऑफ, क्लियर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, हमारा हम जो वर्क करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। या यहाँ पर हम इसको डिफाइन करने के लिए, इफ टाइम इज यूनिट देन पावर इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में हम जितना वर्क करते हैं वही क्या कहलाता है, उसका पावर कहलाता है। और इसका यूनिट होता है वाट, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। सपोज हमको वन वाट डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ वन वाट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वर्क इज वन जूल, इफ वर्क इज वन जूल एंड टाइम इज वन सेकेंड देन पावर इज वन वाट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वन वर्क, इफ वन जूल वर्क इज डन इन वन सेकेंड, यदि हम वन सेकेंड में वन जूल वर्क करें तो हम जो पावर कंज्यूम करते हैं वो कितना कहलाता है, वन वाट कहलाता है। और वाट का जो बड़ा यूनिट है वो हार्स पावर कहलाता है, 746, ये यूनिट आप याद रखेंगे, इक्वल टू होता है 1 HP, HP मतलब हार्स पावर, ये हार्स पावर क्या है, वाट का पावर का बड़ा यूनिट है। कई न्यूमेरिकल्स में आपको पावर को हार्स पावर में दिया रहेगा, जैसे अपन घर में पंप लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, या मोटर ऐसी खरीदते हैं जो भी, तो उसको बोलते हैं ना इतना HP का है मोटर, इतना HP का है, HP मीन्स हार्स पावर, एंड वन हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। तो पावर इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज पावर। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से देखने समझने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह के लिए, वैसे न्यूमेरिकल्स के मेरे अलग से वीडियो में आपको इसको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और इसको रिविजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।